अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, माताओं और बहनों, आज जो है आज का जो हमारा सब्जेक्ट है जिस पे हम बोल रहे हैं बोलना है हमें, वह है दलित मुस्लिम एकता। अच्छा, इसमें क्या है सच्चाई, इसका क्या भविष्य है? तो एक तो मैं अर्ज़ कर दूं कि ये बड़ा कंफ्यूजिंग टाइप होता है दलित मुस्लिम एकता, कि तो दलित मुस्लिम मतलब जो एससी में मुसलमान शामिल हैं उन्हें भी दलित मुस्लिम कहते हैं, और एक होता है दलित और मुस्लिम, दलित प्लस मुस्लिम, यानी नॉन मुस्लिम दलित और प्लस मुस्लिम, इसकी एकता की ये बात का मामला है। तो मैं जहाँ तक इसको समझ पाया हूँ कि ये अजीब सी बेमेल एकता है, ये इस एकता पे का कोई ये अवसरवादी कह सकते हैं, ये कि एक अवसरवादी एकता की बात हो रही है ये, क्योंकि मुस्लिम सवर्ण में सेकुलरिज्म तो है उनके पास, लेकिन सोशलिज्म भी है, सेकुलरिज्म भी है उनके पास है, लेकिन मुस्लिम एलीट के पास, मुस्लिम सवर्ण के पास सोशल जस्टिस नहीं है। और जब सोशल जस्टिस नहीं है तो फिर किस तरह से दलित मुस्लिम एकता बन सकती है या कायम रह सकती है? तो ये एक असंभव सा कार्य है जिसको कुछ दलित और कुछ मुस्लिम हमेशा इसको करना चाहते हैं, लेकिन ये काट की हाड़ी बार बार चढ़ नहीं पाती है। जैसा कि आप जानते होंगे कि आज़ादी के पहले मोहम्मद अली जौहर साहब ने कहा था, गांधी जी से कहा था कि आधे दलित आप ले लो, आधे दलित हम ले लें, समस्या ख़त्म हो जाए। और वो दलित मुस्लिम एकता जोगिंदर मंडल की शक्ल में भी दिखाई दी, कि जहाँ तक जानकारी है मुझे कि पाकिस्तान का के संविधान के लिखने में बहुत बड़ा हाथ है जोगिंदर नाथ मंडल जी का, लेकिन फिर क्या कारण था कि वो वहाँ से टिक नहीं पाए, वहाँ से भागने लगे, या जैसे ये कहा जाता है कि जब वहाँ के दलित आने लगे तो लोगों ने कहा कि भाई हमारा सफाई का काम कौन करेगा, इसलिए आप मत जाओ, उन्हें ज़बरदस्ती रोक लिया गया। तो मुस्लिम सवर्ण में तो जैसा मैं बार बार ये कह रहा हूँ, इस बात पे ध्यान दोनों लोगों को देने की ज़रूरत है कि मुसलमानों में सोशल जस्टिस नहीं है, ये अपने फ़ायदे के लिए एकता करते हैं और भी टेम्परेरी फ़ायदे के लिए। और किसी की भी एकता के बीच में ये ज़रूरी है कि पहले दिल मिलें, फिर ज़रूरतें मिलें, फिर एकता होती है। तो जब वो आधे दलित उनको दे रहे थे, आधे दलित अपने रख रहे थे और अपने दलितों के साथ कुछ बात नहीं कर रहे थे वो, तो जो अपने दलितों का नहीं है वो दूसरे दलितों के साथ किस तरह की एकता बनाने की बात कर रहा है वो? जलील अहमद फरीदी साहब ने भी ये कोशिश की थी, और आज बीएसपी जहां खड़ी है उसके पीछे जलील अहमद फरीदी साहब का भी एक बड़ा हाथ है कि उन्होंने दलित मुस्लिम एकता बनाई, कुछ सीटें यूपी से जीता उन्होंने, तो दलितों को अलग से, कांग्रेस से अलग हटके सोचने का मौका मिला था वहाँ पे। उसी चीज़ को इन्होंने बदल दिया कि वहाँ लीडर जलील अहमद फरीदी साहब थे, यहाँ काशीराम मावती जी हो गई हैं।
तो अब ये जो एक पुराना इतिहास रहा है दलितों के साथ, जो सैयद शेख मिर्ज़ा पठान का जो व्यवहार रहा है, जो पढ़े लिखे दलित आ रहे हैं उनको वो व्यवहार अच्छा नहीं लगता है, पास्ट में जो उनके साथ हुआ है भेदभाव, छुआछूत या जुल्म जो भी कह लें आप उसे, जो भी हुआ वो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। दूसरी चीज़ मैं दलितों की तरफ से भी कहूँगा कि जो एकता करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो उनके पास भी नहीं है, क्योंकि वामन मेश्राम साहब जिस तरह बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं और मुसलमानों में दो समस्या बताते हैं कि नऊज़ बिल्ला, एक समस्या अल्लाह है, एक समस्या जाति है, और बौद्धों में कोई समस्या नहीं है। ये वामन मेश्राम साहब की किताब है दृष्टिकोण के नाम से, जिसमें मैंने खुद पढ़ा है इसको कि अल्लाह एक समस्या है और मुसलमान बिना अल्लाह के ज़िंदगी सोच भी नहीं सकता है, तो इधर से भी दिक्कत है और कहीं ना कहीं उनके यहाँ से भी दिक्कत है, और दोनों लोग चक्कर में पड़े हुए हैं कि अगुवाई हमारे हाथ में रहे, सेक्रीफाइस का जज्बा किसी के पास नहीं है, ना मुस्लिम सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं, ना नॉन मुस्लिम दलित सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं, कोई थोड़ी सी करता है तो कोई दूसरा नहीं कर पाता है तो बिगाड़ हो जाती है, जिसका आपने देखा होगा महाराष्ट्र में जो अवेसी साहब और प्रकाश अंबेडकर के बीच में जो एकता हुई थी बड़ी आसानी से टूट गई, वो जो एकता हुई थी वो इतनी आसानी से टूट गई पता भी नहीं चला उसका, और ये एकता जय मीम जय भीम करके ये एकता मुझे कहीं देख दिखाई नहीं दी, वो टेम्परेरी जो कहते हैं क्षणिक अवसरवादता के अलावा कहीं कोई एकता मुझे नजर नहीं आई इनकी। नहीं तो अगर अगर विधानसभा अगर लोकसभा में एकता बनती है तो विधानसभा में एकता टूट कैसे जाती है, किसी एक टाइम में एकता बनती है दूसरे टाइम पे एकता खत्म हो जाती है, ये कौन सी एकता भाई, किस टाइप की एकता है ये, तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि एकता दलितों दलितों के बीच में हो सकती है, मुस्लिम दलितों मुस्लिम पसमानदा हैं, हिंदू दलित हैं बौद्ध दलित हैं क्रिश्चियन दलित हैं, एकता इनके बीच में हो सकती है, लेकिन एकता सवर्ण एकता सवर्ण मुस्लिम में और नॉन मुस्लिम दलित के बीच में एकता संभव नहीं है, और हमको लग रहा है कि धीरे धीरे लोग इस बात को समझने लगे हैं और बड़ी चालाकी के साथ अब मुस्लिम सैयद शेख मिर्ज़ा पठान जो है सवर्ण मुस्लिम एकता की बात करने लगा है, और हमारे एक फेसबुक फ्रेंड हैं जफर मूसा साहब, उन्होंने तो बाकायदा एक संगठन भी बना लिया है, और ये कोशिश हमारे उलमा काउंसिल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आमिर सादी साहब, उन्होंने भी कोशिश किया था और बहुत सारी पार्टियों को छोटी छोटी पार्टियों को उन्होंने जोड़ा था कि सवर्ण और मुस्लिम, अब वो लोग कहीं ना कहीं जय भीम जय मीम के से आगे बढ़ करके अब सैयद शेख मिर्ज़ा पठान ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य एकता की बात भी शुरू कर दिए हैं, तो आप इस पे कह सकते हैं कि अभी इश्क का काफिला चला ही नहीं, अभी से गुबार की बातें, यानी अभी दलित मुस्लिम एकता परवान भी नहीं चढ़ पाई थी ढंग से, तब तक ये दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिए हैं, जो इनका मिजाज है मुस्लिम ब्राह्मणवाद का मुस्लिम सैयदवाद का जो मिजाज है कि दलित मुस्लिम एकता में अभी कंप्लीट भी नहीं कर पाए थे, ये सवर्ण की तरफ देखने लगे हैं, और बसपा छोड़ करके बीजेपी की तरफ जाना और सैयद जफर इमाम साहब का राज्यसभा जाना,
ये बता रहा है कि बीएसपी छोड़ करके, आरपीआई छोड़ के और दूसरी पार्टियां छोड़ करके हमारा सैयद शेख जो है ये बीजेपी की तरफ जा रहा है। तो मैं ये कहूंगा अगेन कि जो वो संभव नहीं है। एकता अगर संभव तो जो बहुजन एकता की बात होती थी, लेकिन उसमें कन्वर्टेड माइनॉरिटीज ना कह करके कि सीधे सीधे जो है हमें जो बहुजन है जिसको कहते हैं एससी एसटी ओबीसी एकता की बात की जा सकती है, और ये संभव है क्योंकि इनके दुख दर्द एक जैसे हैं, इनकी समस्याएं एक जैसी हैं। राजा और प्रजा में एकता कैसे हो सकती है? कल तक के जमींदार, कल तक के नवाब, 200-400 रियासतें थीं सवर्ण मुसलमानों की, आज किसी वजह से वो रियासतें छूट गई हैं, टूट गई हैं, तो दलितों के साथ एकता करेंगे तो कैसे कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे वो? और मुसलमानों में सोशल जस्टिस है नहीं। जब ये अपने दलितों के नहीं हैं, अपने पिछड़ों के ये नहीं हैं, हमारे शिया सेक्ट में सैयद जो है काली पगड़ी पहनता है और अपने जो दलित पसमानदा शिया है उसको वो सफ़ेद पगड़ी पहनाता है ताकि दूर से स्टेज पे ही पता लग जाए कि वो छोटी जात का मौलाना है, वो बड़ी जात का मौलाना है। तो इतने विभिन्नताओं के बाद ये क्या सोच करके इन्होंने किया था, और क्यों हमारे दलित भाई उसमें फंस रहे थे, ये तो वही जाने। कैसे प्रकाश अंबेडकर ने इनके साथ एकता बनाई अवेसी साहब के साथ, ये जय मीम जय भीम का नारा इन्होंने दिया और उसे ये पूरा नहीं कर पाए, ये तो ये संभव नहीं है। जो अपना नहीं हुआ वो दूसरे का क्या होगा? अंबेडकर जी के साथ भी ये टेम्परेरी रिश्ता रखते थे, अगर पूरा रिश्ता रखते तो जिन्ना और अंबेडकर में दोस्ती पक्की होती और दोनों मिलकर के कोई फैसला लेते, अगर दोनों मिलकर के कोई फैसला लेते तो देश का बंटवारा भी नहीं होता और शक्ल कुछ और बन सकती थी। लेकिन जिन्ना ने अलग जाना पसंद किया, जोगिंद्रनाथ मंडल को लेकर के अलग हो गए। अंबेडकर जी के साथ बैठ करके एकता बना करके कि भाई क्या क्या उपाय किया जा सकता है भारत में मुसलमानों को लेकर के, दलितों को लेकर के, लेकिन उनको ये पता अंदाजा लग गया था कि अंबेडकर जी कहीं ना कहीं दलित की बात अलग से करते हैं, कल को हमारे मुसलमानों के जो दलित हैं वो भी अपनी बात ना करने लगे तो ये हमारी एका टूट जाएगी और हमको हिस्सेदारी देना पड़ जाएगा, तो इसलिए वो यहाँ से निकल लिए। और मज़े की बात है, सूफी हुसैन साहब सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान में हिंदू के नाम पे, सिख के नाम पे, क्रिश्चियन के नाम पे वहां आरक्षण है, और वहां अफगानिस्तान में भी आरक्षण है सिखों के नाम पे, लेकिन एससी एसटी ओबीसी के नाम पे पाकिस्तान में कोई आरक्षण नहीं है। तो जो हिंदू के नाम पे आरक्षण होता है तो वहां का जो पाकिस्तान का जो अपर क्लास हिंदू है सारा फायदा वो उठा लेता है। 3% माइनॉरिटी आबादी के लिए पाकिस्तान में 5% आरक्षण है। अब उस 5% आरक्षण में जो उनके अपर क्लास होंगे माइनॉरिटीज के, सारा फायदा वो उठा रहे हैं। और जैसा कि फैयाज साहब अहमद साहब ने कहा कि वामन मेसराम साहब से कई बार बातचीत हुई, वो 341 पे एकदम चुप हो जाते हैं, और कभी इंतज़ार नईम साहब को लेकर के चलते हैं, कभी वली रहमानी साहब को लेकर चलते हैं, आजकल एक सैयद शेख साहब वहाँ के हैं बिहार के, उनको भी जोड़ रहे हैं। तो इनका मूल निवासी का कॉन्सेप्ट मेरे समझ में नहीं आया कि मूल निवासी का क्या मतलब है।
आप अपने मूल निवासी को छोड़ करके जो आपका SC ST OBC मुसलमान है उसको छोड़ करके आप उन्हीं मुगलों की तरह, जैसे मुगल थे उन्होंने रेडीमेड ब्राह्मण और छत्री से काम चलाया, आप भी उन्हीं मुगलों की तरह ब्राह्मण और छत्री से काम चलाना चाहते हैं, तो दो चालाक लोगों में एकता नहीं हो पाएगी। वो अपने को चालाक समझ रहे हैं, पढ़ा लिखा समझ रहे हैं, तेज समझ रहे हैं कि हम इनको यूज कर लेंगे, ये समझ रहे हैं हम उनको यूज कर लेंगे, और दोनों एक दूसरे को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो उसमें चालाक होता है वो ज्यादा यूज कर लेता है, जो उसमें थोड़ा नरम पड़ता है वो फिर नाराज होकर अलग हो जाता है। तो ये जो एकता की बात है, ये दलित मुस्लिम एकता, ये एक आउटडेटेड आइडियोलॉजी है। एकता हमेशा बराबर वालों में होती है, एक तरह के लोगों में होती है, समान विचारधारा के लोगों में होती है, केर बेर का साथ नहीं होता है। हो सकता है कभी किसी सैलाब के टाइम पे शेर और बकरी एक जगह खड़े रहे हों, लेकिन शेर और बकरी की एकता नहीं होती। शेर, टाइगर, चीता, तेंदुआ, इनके बीच में एकता हो सकती है। शाकाहारी जानवर जो हैं, हिरन है, लकड़बग्गा हिरन है, बरसिंगा है, बकरी है, भेड़ है, इनके बीच में एकता हो जाती है कि चलो सब मिलकर घास खाते हैं। तो हमारी एकता हमारे दलित भाइयों के साथ तो हो सकती है, लेकिन इनकी एकता उसी तरह से हो सकती है जैसे प्रकाश अंबेडकर अवेसी साहब की हुई, कभी जलील अहमद फरीदी साहब से हुई, कभी जिन्ना जोगिंद्रनाथ मंडल के साथ हुई। तो जितनी जल्दी हमारे दलित भाई इस बात को समझ लें उतना ही अच्छा है कि बाद में जोगिंद्र मंडल की तरह पछताना न पड़े। और कहा जाता है ये जबर भी देखा है, तारीख ने लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। तो ये जो चीज है, मैं इसको बार बार एक ही बात को दोहरा रहा हूं, इससे इसकी अहमियत का पता चलता है। आप इसकी अहमियत को समझें। कि मैं ये जो एकता की बात है इसको समझना पड़ेगा लोगों को, और इसको समझ करके समान विचारधारा वालों के साथ एकता की बात की जाए, वो 10 साल लगे, 20 साल लगे, 30 साल लगे। बामसेफ के जितने भी धड़े हैं वो कई सालों से कोशिश कर रहे हैं, नहीं सक्सेस हो रहे हैं। तो 10 साल और आप इंतजार कर लीजिए, तब तक हो सकता है पसमांदा तहरीक के लोग और मैच्योर हो जाए, आगे निकल जाए, तो फिर एकता कर लीजिएगा। कौमों के अरूज जो जवाल में 150 साल कोई बड़ा टाइम नहीं होता है, 100 साल लगा है RSS को। आप क्यों चाहते हैं कि 10 साल में सब कुछ हो जाए, आपका देश पे कब्जा हो जाए? कांग्रेस को भी 1885 में वन मैन आर्मी थी, कोई और नहीं था अंग्रेजों के खिलाफ, उसको भी मुस्लिम लीग से संघर्ष करना पड़ा था, उसको भी 1947 तक जाते जाते अच्छा खासा टाइम लग गया था, 60-62 साल लग गया था कांग्रेस को सत्ता पाने में, और वो भी पूरा देश उसके साथ था। और आप चाहते हैं कि जल्दी से किसी सैयद को बुला लें, बड़ी सी दाढ़ी देख करके, बड़ी सी दाढ़ी बड़ी सी गाड़ी देख करके आप चाहते हैं कि चलो एकता बना लो, इनके कहने पे सारे मुसलमान वोट कर देंगे। और हमारे भीम रावण जी भी कहीं ना कहीं उसी रास्ते पे जा रहे हैं, उन्होंने हमारे
लोगों में से आकिब भाई को बनाया है उन्होंने, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया है कि आकिब जैसे तेज तरार आदमी को उन्होंने कुछ मंडलों की जिम्मेदारी दिया है और बिहार में अपर क्लास के लोगों को उन्होंने फौरन प्रदेश अध्यक्ष दे दिया। आकिब साहब कर पाते कि नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप उनकी बात कर रहे हैं, दलित मजलूमों की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, तो आप अपने बराबर के लोगों का, जो आपके साथ का के लोग हैं, आपके समान विचारधारा के लोग हैं, SC ST OBC एक खाने के लोग हैं, आप उनको प्रमोट करिए। तो दोनों दलित और मुसलमान एक दूसरे के कंधे पर रख करके जो बंदूक चलाना चाहते हैं, एक दूसरे के सहारे नदी को पार करना चाहते हैं, ये नाय बराबर डूब जाती है, फिर अगली पीढ़ी आती है, फिर उसी तरह की गलती करती है, और ये गलतियां लगातार आजादी के पहले से चल रही हैं। जी, मैंने लगभग ज्यादा बोलने के लिए नहीं था इसमें, और आप सब लोग समाज में देखते हैं सारी चीजों को। जैसे कि हम लोग एक बार 2012 में दिल्ली में बच्चा घर में हम लोग थे, धरने प्रदर्शन के लिए गए थे, ट्रेन में बेटिकट गए थे हम लोग, तो उस टाइम पे पहली बार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वालों से मुलाकात हुई हम लोगों की। तो हम लोगों के यहाँ बासी पूड़ी खा रहे थे हम लोग, पूड़ी सब्जी खा रहे थे बासी, और ये लोग जो है बिरयानी खा रहे थे। हम लोगों का वही लुंगी वही कुर्ता, और इनके यहाँ बाकायदा वेल ड्रेस थे ये। हम लोग पैदल गए जंतर मंतर, और ये लोग AC या जो बसें थी उससे ये लोग गए। तो पहली बार हमने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को देखा, और बड़ी मजबूत बड़ी सिस्टमेटिक जमात थी। लेकिन उसके बाद से जो मैंने पढ़ना सुनना चालू किया, तो मैं ये तो नहीं कह सकता जैसा कि टीवी चैनल वगैरह कह रहे हैं कि बड़ी कट्टर जमात है या इस तरह की हरकतें कर रही हैं, लेकिन इनका अंदाज ये इतना अच्छा नहीं है कि ये भारत का जो सिस्टम है, जो भारतीय सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी है, उसके साथ ये एडजस्ट कर पाए। और इनकी जो हरकतें, जो इनके नारे हैं, जो इनका स्टाइल है, वो फिर उसी तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है मुसलमानों को, जब ये मुसलमान बड़े ताकतवर थे, जबकि गंगा में बहुत पानी बह चुका है। मुसलमान तो ये एक तरीके से, मैं इसे उतनी कट्टर तो नहीं कहूंगा जितना भाजपा या चैनल वाले कह रहे हैं, जितना भाजपा वाले कह रहे हैं उतना तो नहीं कट्टर है, लेकिन ये कट्टर जमात है। मुझे और पसमानदा के लिए और दलितों के लिए ये जमात अच्छी नहीं है, और इनका जो आइडियोलॉजी है वो आउटडेटेड है। ये पाकिस्तान में जाके काम करें तो ठीक अच्छा काम कर लेंगे ये लोग, और यह राजनीति में कभी ना आवे तो भी चल जाएगा काम, लेकिन अगर ये राजनीति में आना चाहते हैं या राजनीति में हैं तो ये ठीक जमात नहीं है। हमें भारत में मोमिन कॉन्फ्रेंस का जो स्टाइल था, कय्यूम अंसारी साहब और कांग्रेस के जो रिलेशन थे, इस तरह का जो एकता है वो किसी के साथ भी कर सकते हैं। मैं कई बार कहता हूं कि अगर आपको कांग्रेस अच्छी नहीं लगती है तो आप भाजपा के साथ भी कर लें, अगर आपको भाजपा पसंद आ जाती है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप बिना अलायंस के कोई काम नहीं कर सकते, और अलायंस के लिए आपको अपनी ईगो, अपनी जबरदस्ती की आइडियोलॉजी के साथ छुटकारा लेना पड़ेगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। और ये SDPI वगैरह, ये हो चाहे PFI वगैरह हो, इनके पास इनका जो वो है लचीलापन नहीं इनके अंदर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है,
एक जमात थी जिन्हें मैं मजबूरी में पसंद करता था, मैं मुस्लिम जमातों का ही विरोधी हूँ, मैं नहीं चाहता कि माइनॉरिटी की कोई पार्टी हो। और ये दुनिया में जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि जो माइनॉरिटी कहे जाते हैं उनकी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है, तो माइनॉरिटीज़ की पॉलिटिकल पार्टी नहीं होनी चाहिए। हमें अमित शाह माइनॉरिटी की तरह किसी बड़ी पार्टी के साथ एडजस्ट करना चाहिए और अपनी हिस्सेदारी को लेकर सजग रहना चाहिए और अपनी आबादी से ज़्यादा हिस्सेदारी की कोशिश करना चाहिए। माइनॉरिटी, हर माइनॉरिटी को ही चाहिए, वो माइनॉरिटी यहूदी हो, वो माइनॉरिटी पारसी हो, वो माइनॉरिटी बौद्ध हो या क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियन ने तो लिया भी है बहुत हद तक, तो मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन ये मैं पीस पार्टी की बात कर रहा था जिसे मैं मजबूरी में पसंद करता था, लेकिन वो भी पता नहीं क्या उसको हो गया कि वो निज़ाम मुस्तफ़ा के चक्कर में पड़ करके अपने को बर्बाद कर रही है या बर्बाद कर लिया या बर्बाद हो सकती है वो। अब वो उनके कई लोगों को ठीक लगता है तो वो जाने, लेकिन आप जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री का अपना एक चलन होता है, चाहे वो चाइना हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, उनकी जो हद है आप उस हद को पार नहीं कर सकते हैं, वो अच्छी हद हो या बुरी हद हो। जैसे आप जैनियों के मोहल्ले में, अगर जैनियों के अपार्टमेंट में घर लेते हैं तो आप गोश्त नहीं खा सकते हैं, आपको अगर गोश्त खाना है तो कम से कम जैनियों के साथ मत रहिए। तो भारत का अपना जो सिस्टम है, चाहे अच्छा है या ख़राब है, वो एक अलग सब्जेक्ट है, आपको इसके हिसाब से रहना होगा जिसके साथ PFI नहीं ऐसा कर पाएगी, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अवेसी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, अवेसी भी किसी के साथ गठबंधन नहीं कर पा रहे हैं। आमिर सादी साहब के साथ भी उन्होंने नाम भी रख लिया उलमा काउंसिल, इन्होंने इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम रख लिया है, ये सब के सब जो है एकदम अलग टाइप के लोग हैं और इनमें एकता नहीं बन सकती है। और दलितों को दलितों के साथ ही एकता करनी चाहिए। मैं अभी उज़मा खातून साहब ने एक सवाल पूछा है, देखिए किसी उज़मा खातून साहब, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि किसी भी कागज़ को 7 times से ज़्यादा फोल्ड नहीं कर सकते आप। उसी तरीके से किसी कौम के टुकड़े अगर किए जाएं तो एक लिमिट के बाद अब वो टुकड़े होना बंद हो जाती हैं। तो मुस्लिम सोसाइटी के इतने टुकड़े हो चुके हैं कि अब नया टुकड़ा इसका मुमकिन नहीं है, अब जो भी होगा इसके अंदर एकता होगी। तो अशराब पसमानदा का जो टुकड़ा है ये टुकड़ा नहीं है, और हम ना तो कोई राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं, ना कोई मस्जिद बना रहे हैं, ना कोई फिरका बना रहे हैं, तो हमसे एकता कैसे टूटेगी। हाँ, एक दिक्कत आ सकती है उस्मा जी कि जो अपनी आबादी से ज़्यादा सैयद शेख मुग़ल पठान हिस्सा पा रहे थे, वो हिस्सा कहीं ना कहीं कम हो सकता है। जैसे बिहार में गुलाम गौस साहब को हिस्सा मिल गया, यूपी में आपके हिस्सा मिल जाता है अहमद हसन साहब को, महबूब अली तेली साहब को, रियाज अहमद बंजारा साहब को, अनीस मंसूरी साहब को जो हिस्सा मिल जाता है, ये बंटवारा हो रहा है। तो हमारी कौम में बंटवारा नहीं हो रहा है, ना हो सकता है पसमांदा तहरीक की वजह से। हाँ, जो पॉलिटिकल पावर है अशराफों के पास, उसमें कुछ हिस्सा देना पड़ सकता है। जैसे कि शिवली कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया गया है, अलीगढ़ में पसमांदा VC हो गया, क्या दिक्कत हो रही है। देवबंद में जो है अबुल कासिम नुमानी साहब को VC बना दिया गया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारी वजह से कोई नुकसान नहीं होना है, हमारी वजह से कौम का फ़ायदा होना है, और वो फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है और आगे भी होगा। देखिए अल्तमस साहब, सारे मुसलमान भारत में दलितों की तरह नहीं है, ये उर्दू मीडिया का मैं क्या जुमला इस्तेमाल करूं उनके लिए, मुझे अच्छा लफ्ज अच्छे अल्फाज नहीं है उनके लिए कि मैं अदा कर पाऊं। ये उर्दू मीडिया का कमीनापन था कि सच्चर ने कहा कि मुसलमान, मतलब कई मुस्लिम इज डिवाइडेड इनटू मेनी ग्रुप एंड सेक्शंस, 3 major groups, अशराफ, अजलाफ और जाल।
अशराफ की हालत थोड़ी ख़राब है, इनके इलाके में बैंक खुले जाए, स्कूल खुले जाए। अजलाफ की हालत बहुत ख़राब है, इनका मतलब ढंग से उपाय किया जाए इनके लिए। और अरजाल की हालत हिंदू दलितों से बदतर है। उन्होंने अजीम प्रेम जी के बारे में नहीं कहा था, उन्होंने ख्वाजा यूसुफ हमीद के बारे में नहीं कहा था, उन्होंने लूलू वाले के बारे में नहीं कहा था, यूसुफ मेहर अली के बारे में नहीं कहा था, उन्होंने शहनाज हुसैन के बारे में नहीं कहा था, हिमालय ड्रग के फारूक अहमद के बारे में नहीं कहा था उन्होंने। आप टॉप हंड्रेड में हमेशा तीन चार मुसलमान रहते हैं, आप उन्हें दलित कैसे कह सकते हैं? मोहिब आलम कुरैशी साहब, आकिब भाई जो हैं वो अपने हैं, पसमानदा हैं। हमजा हिंद साहब, अवेसी साहब ही नहीं, मुस्लिम नाम से जो भी पार्टी बनाता है वो सेकुलर वोटों को डिवाइड करता है और कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा भाजपा लेती है, या आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि भाजपा के लिए काम करता है। और अवेसी साहब की बात जहाँ तक है, अवेसी साहब ने एक भी मुद्दा ऐसा उठाया नहीं है जो उनका उठाया हुआ हो, उनकी पार्टी को उठाया हुआ हो, जिस पर वो आंदोलन करें, आवाज़ उठाएं। हमेशा उन्होंने रिएक्ट किया है, भाजपा को रिएक्ट किया है, जिसका फ़ायदा भाजपा ने जम के उठाया है। और उनके भाई की जो वीडियो है वो आज भी जो है जी, मोहिब आलम कुरैशी साहब, जमतुल उलमा हिंद का प्रदेश अध्यक्ष पसमानदा को बनाया गया है, और ये वाकई तहरीक की वजह से है। तहरीक जिस तरह से बढ़ती जाएगी, हमें हिस्सेदारी मिलती जाएगी। आज ये बात सोचने की और देखने की है, ये बात सोचने और देखने की है उस्मा खातून साहब, मऊ के जो एमएलए हैं वो अंसारी हैं, पसमानदा नहीं। जैसे हर सिद्दीकी शेख नहीं होता, वो मनिहार भी होता है, हर कुरैशी जनरल कुरैशी नहीं होता, वो पसमानदा भी होता है, तो वैसे ही मऊ में जो अंसारी साहब हैं वो जनरल हैं, उनके भाई साहब एमपी हैं, उनके रिश्तेदार ख़ानदान के हामिद अंसारी साहब आपके वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो ये लोग पसमानदा नहीं हैं। हाँ, मऊ के लोकल जो अंसारी हैं वो सारे के सारे पसमानदा हैं, ओबीसी में हैं, उनके हालात अच्छे नहीं हैं, इतने ख़राब हैं कि ये तीसरे एमएलए हैं, मुझे लग रहा है 30 सालों से वहाँ पे कोई भी पसमानदा एमएलए नहीं बन पाया है। पहले मऊ के लोग उसे चरागा, आजमगढ़ के लोग चरागा समझ के जाके चरते थे, अब यूसुफपुर महमदाबाद से मुख्तार अंसारी साहब आकर के जो है वहाँ पे जो है अपना राज कर रहे हैं। और मायावती के इतने पसमानदा हैं कि मायावती ने सालिम अंसारी साहब को राज्यसभा भेज दिया पसमानदा तहरीक की वजह से। उसके बावजूद भी जो एक तहरीक खड़ी हो जानी चाहिए थी पसमानदाओं की क़यादत के लिए, वो राज्यसभा जाने के बाद भी नहीं खड़ा कर पाए। और मुख्तार अंसारी ने अपने दोनों बच्चों को जो है राजनीति में कम से कम नाम पैदा कर दिया है, वो राजनीति लायक हो गए हैं वो लोग, आगे आज ना कल टिकट मिलेगा, जब भी मिलेगा वो उनको हिस्सेदारी मिल जाएगी। मुख्तार के साथ गलत हो रहा है, इतना इसे जितने जुर्म हो सज़ा उसी रेशियो मिलनी चाहिए, लेकिन मुख्तार साहब ने भी मऊ को एकदम अजीब सा बना दिया है कि जहाँ से नेता अब वो पैरों पे खड़े होने के बजाय अब कहीं ना कहीं अपाहिज हो गए हैं, अब वहाँ से नेता नहीं निकल पा रहे हैं जैसे कभी और निकला करते थे। वहाँ एमएलए होते थे, कामरेड इम्तियाज साहब आज भी बाहयात हैं, और बुनकर तहरीक भी वहाँ से उभरती थी जो अब नहीं उभर पा रही है जी। कोई सवाल हो तो बताएं।
जी सूफी हुसैन साहब, इंशाल्लाह जो है ये बात जो है सैयदवाद और सैयदिज्म के चैलेंजेस जो है पसमांदा मूवमेंट के लिए वाकई बहुत बड़ा चैलेंज है ये, और बिना इन चैलेंज का सामना किए हम पसमांदा तहरीक को आगे नहीं ले जा सकते हैं। और जैसा कि आज हमारे हासिम पसमांदा साहब ये कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि ये वहाबी तहरीक बनती जा रही पसमांदा तहरीक, मैंने कहा कि एक मजबूरी है इस तहरीक की कि जब भी आप अशरफ थानवी के ज़ात पात के ख़िलाफ़ बोलेंगे, अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब के ज़ात पात के ख़िलाफ़ बोलेंगे, तो आपको इस तरह का टैग आपके साथ लगना लगना है। और मैंने आज एक पोस्ट भी इस पर की कि अगर हमारी तहरीक वहाबी से मुतासिर है तो फिर हमें जो है अहले हदीस वहाबी सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं। तो हमारी जो तहरीक है, देखिए पसमांदा ही पसमांदा नेता को पसंद नहीं करते, ऐसा क्यों होता है? देखिए पसमांदा एक चीज़ तो ये जान लें कि एक लाइनेज होती है कि कौन किस काम में एक्सपर्ट है। जैसे कोई ख़ानदानी धोबी होता है तो जहाँ भी दुकान खोल लेता है हर कोई उसके पास जाना पसंद करता है। वो जानता है कि मेरा कपड़ा ना जलाएगा ये और ना ही बर्बाद करेगा, ये बहुत बढ़िया से धुल के मेरे घर पहुँचा देगा। लेकिन अगर कोई हजाम सलमानी कोई धोबी की दुकान खोल ले तो बहुत टाइम लग जाएगा उसको चलने और चलाने में, उसके घर के लोग ही नहीं उसके पास जाएंगे क्योंकि उसके पास उसकी एक्सपर्टनेस नहीं है। हमारे जो पसमांदा नेताओं का सवाल है, पसमांदा नेताओं ने वो फ़र्ज़ अदा नहीं किया जो नेतागिरी का एक फ़र्ज़ होता है। आपकी आइडियोलॉजी कम्युनिज्म की है, सेकुलरिज्म की है या राइटिस्ट है, वो एक अलग विषय होता है। वो जो भी आपके साथ आता है वो उसको पसंद करके आता है, लेकिन जब नेतागिरी में आप आ गए, राज्यसभा हो गए या कुछ पा गए, तो जो आप भूल जाते हैं अपने लोगों को तो उसके चलते भी पसंद नहीं करता है। अपर क्लास का जो नेता है, अपर क्लास का जो नेता है वो अपने लोगों को समझता है, वो कुछ भी बन जाए वो सबसे पहले अपने लोगों को पसंद करता है और उनको खासतौर से जिनके सहारे पहुंचा है। और हमारा जो पसमांदा नेता है वो सबसे पहले उनसे छुटकारा पाने लगता है। तो हमारा पेशा नेतागिरी नहीं है, हमें इसको पेशा बनाना पड़ेगा। जब हम इसको पेशा बना लेंगे, जिस तरह से हम धागे को चुन चुन के और ढंग का बिनते हैं और जो बाना चलता आते हैं, जिस दिन हम नेतागिरी में उस तरह का बाना चलाना शुरू कर देंगे, लोग हमें पसंद करना शुरू कर देंगे। और अली अनवर साहब को पसंद किया है लोगों ने, जब अली साहब को पसंद किया है, वो राज्यसभा तक भी गए, और भी कई लोगों को पसंद किया है लोगों ने। लेकिन ये देखने वाली बात होती है कि जैसे एक शेर है, कहा जाता है ना कि जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। ये राजनीति जो है ये फुल टाइम वर्क है, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, और हमारे पसमांदा नेता इसको जो है पार्ट टाइम जॉब की तरह करते हैं। ये अपने बिजनेस, अपने कारोबार, अपनी फैमिली से जो टाइम बचता है उससे नेतागिरी करते हैं, और ऐसे लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता है। और यही वजह है कि हमारे पसमांदा नेता पसमांदा को पसंद नहीं करते हैं। देखिए मुहिब अली कुरैशी साहब, पसमांदा के पास ऑप्शन, सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। अभी बीजेपी से जफर इस्लाम साहब खुद गए हुए हैं, लेकिन हम कहाँ हैं, किस लेवल से ज्वाइन कर रहे हैं और किस लेवल से वर्क कर रहे हैं, ये सबसे अहम सवाल है कि हम अगर राज्यसभा के लायक हैं तो हमें राज्यसभा बनाया जाएगा। हमारे घर की पार्टी क्यों ना हो, अगर हमारी हैसियत पार्षद जैसी है तो हमें पार्षद ही लड़वाएंगे। वो तो राजनीति में कोई अच्छा बुरा ऑप्शन नहीं होता है, हम किस लायक हैं ये बहुत अहम है।
फ़ायदा उठाने वालों ने सपा में भी उठाया है, बसपा में भी उठाया है, मुख्तार नकवी, मोहसिन रजा जैसे लोग भाजपा से भी फ़ायदा उठा रहे हैं। अलायंस जो है भाजपा पीडीपी बीजेपी पीडीपी का भी हुआ है। तो ये एक चीज़ इसको समझें कि इसका कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। हाँ, एक चीज़ इसमें बहुत अहम है कि आप किस पोजीशन से किसके साथ जुड़ते हैं। अगर आप बड़ी पोजीशन से जाएंगे किसी के साथ तो आपको वो मान सम्मान मिलेगा, और अगर आप छुटभैया नेता हैं तो आपसे डंडा झंडा दरी बिछवाई जाएगी, आपको मनोनीत सभासद पार्षद बना दिया जाएगा, आपको महाप्रधानी लड़वा दिया जाएगा, आपको कुछ पैसा दे दिया जाएगा। सब कुछ डिपेंड करता है कि आप किस हैसियत से कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि मेरी बात कंप्लीट हो गई है, और कोई सवाल दिख नहीं रहा। फैया साहब, मैंने प्रतीक झा साहब का दो मैंने देखा है कमेंट, और मैंने दोनों का जवाब दिया है। उन्होंने मोमिन कॉन्फ्रेंस के बारे में सवाल पूछा था, और दूसरा हाँ मोमिन कॉन्फ्रेंस के बारे में था उनका, दूसरा तो कोई सवाल उनका नहीं दिखा मुझे। मैं एक बार कोशिश कर ले रहा हूँ। नहीं, कोई सवाल नहीं है, और जी मैं कोई सवाल और हो तो लगा दे मीटिंग जूम। ठीक है, जी कोई और सवाल या